Subscribe under 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका टू द पॉइंट के नए एपिसोड में। आज हम आपके सामने हाजिर हैं टू द पॉइंट में नए टॉपिक को लेकर। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पर बनाना, इस टॉपिक, कई बच्चों ने मेटल एंड उसके ओर पर बनाने के लिए कहा था। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने उस नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं मेटल और उससे ओर से रिलेटेड, यानी कि धातु और उसके अयस्क से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर। तो जल्दी जल्दी दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएँ, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे अयस्कों के नाम पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट और एंड मेटल्स हैं उन सभी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यहां से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मेटल एंड ओर। मेटल में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी, जितनी भी धातुएं होती है, जितनी भी मेटल्स हैं, उन सभी मेटल के साथ जितनी भी धातु, चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो या कुछ भी है, हर धातु को जब हम लोग क्या करते हैं, हर चीज उसका माइनिंग करके उसे निकाला जाता है, यानी कि उसका खनन करते हैं और खनन करने के बाद क्या होती है, हमें कोई भी धातु प्राप्त होती है। ठीक है ना, लेकिन जब भी कोई धातु को निकालते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ अशुद्धियाँ मिली होती है। और धातुओं के साथ दोस्तों जो वो अशुद्धियाँ मिली होती है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं ओर, या जिसे हिंदी में कहा जाता है अयस्क। क्या बोलते हैं, जिसे हिंदी में अयस्क, और इसे क्या कहते हैं हिंदी में, धातु। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटाइट, ये मैग्नीज का है, जैसे हेमेटाइट लोहा का है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं पायराइट है, जैसे सीडेराइट है, ये सभी किसके किसके अयस्क, इन सभी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला पॉइंट जहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो याद रखेंगे ओर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातुएं व्यावसायिक और आर्थिक रूप से क्या की जाती है, निकाली जाती है। है ना, मैंने बोला अभी कि धातुओं के साथ जो इम्प्योरिटीज मिली होती हैं उन्हीं मिनरल्स को, उसी खनिज को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट की बात करें, यहां से एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जो भारतीय खनन ब्यूरो, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय खनन ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारतीय खनन ब्यूरो या इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय नागपुर में है। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है ना, तो चलते हैं सबसे पहले स्लाइड की तरफ। यहां पर याद रखेंगे, देखिए कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट एंड सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट, ये दोनों किसका अयस्क है, ये दोनों गोल्ड का अयस्क। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कैल्वेराइट इज ओर ऑफ विच मेटल या सिल्वेनाइट इज ओर ऑफ विच मेटल। कई बार देखिए दोस्तों जब ज़्यादा मुश्किल प्रश्न पूछना होता है तो वहाँ से ये क्या करते हैं, फॉर्मूले को भी पूछते हैं। तो याद रखेंगे इसका AuT2, Au जो दोस्तों है ये क्या है, ये गोल्ड को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है Au से, जिसका एक्चुअल मतलब होता है ऑरम। Au का एक्चुअल मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑरम होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके एटॉमिक नंबर से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 79 और इसका एटॉमिक वेट है 196। ठीक है ना, और याद रखेंगे यहां पर कि जो गोल्ड है, गोल्ड हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक में एक कोलार गोल्ड माइंस है, जो कोलार गोल्ड फील्ड्स भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा गोल्ड माइन है, इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड निकलता है भारत में वो वहीं से निकाला जाता है। ये देख रहे हैं जो मूवी भी आई थी एक कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो KGF मूवी आई थी वो वहीं कोलार रीजन जो है, कोलार रीजन में जो गोल्ड की माइनिंग होती है उसी पर आधारित ये मूवी आई थी। ठीक है ना, तो कोलार गोल्ड फील्ड याद रखेंगे,
ये किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गोल्ड के, मतलब सबसे ज्यादा जो गोल्ड होता है यहीं पर होता है। और गोल्ड के बारे में आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो गोल्ड है ये सबसे ज्यादा मैलिएबल यानी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, सबसे ज्यादा डक्टाइल भी होता है। कौन होता है सबसे ज्यादा डक्टाइल? गोल्ड होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तन्य ये कौन होता है? वो भी हमारा गोल्ड ही होता है। इसके बाद याद रखेंगे जो गोल्ड है ना दोस्तों, जो गोल्ड को जो प्योरिटी मेजर की जाती है ना गोल्ड की, वो किस में मेजर की जाती है? कैरेट में मेजर की जाती है। और 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, ये सबसे प्योर गोल्ड होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्योर गोल्ड जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? वो 24 कैरेट का होता है। और गोल्ड की प्योरिटी किस में मेजर करते हैं? कैरेटोमीटर। इसके लिए जो डिवाइस होती है, दैट डिवाइस इज नोन एज कैरेटोमीटर। लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है वो इतना ज़्यादा मैलिएबल होता है, इतना ज़्यादा लचीला होता है, उससे आप ऑर्नामेंट्स या उससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उससे ज्वेलरी बनाने के लिए, उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए दोस्तों क्या मिलाया जाता है उसमें? गोल्ड में याद रखेंगे, गोल्ड को थोड़ा हार्ड करने के लिए उसमें कॉपर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कॉपर। और याद रखेंगे जो जनरली 22 कैरेट गोल्ड जो होता है, इस 22 कैरेट गोल्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? 22 कैरेट तो गोल्ड होता है और 2 कैरेट क्या मिला दिया जाता है? कॉपर मिला दिया जाता है। इसी तरह जो 18 कैरेट गोल्ड होता है उसमें 18 कैरेट गोल्ड होता है और 6 कैरेट क्या मिला दिया जाता है दोस्तों? 6 कैरेट उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो याद रखेंगे गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में मेजर की जाती है और उसे गोल्ड को हार्ड करने के लिए उसमें कॉपर मिलाते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड की तरफ, जो अगला स्लाइड है हमारा कैलमिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलमिन और जिंक ब्लेंड, ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको, फॉर्मूले से भी प्रश्न पूछा जाता है ना। कैलमिन और जिंक ब्लेंड ये दोनों किसके अयस्क हैं? ये दोनों जिंक या जस्ता का अयस्क है। ये देख रहे हैं, ये जो है आपका कैलमिन है, ये किसका अयस्क है? ये जिंक का या जेडन का अयस्क है। और जेडन से आपको पता होना चाहिए कि कॉपर और जिंक को मिलाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है हमारा? इससे हमारा बनता है ब्रास, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीतल, है ना। जेडन पी जिंक फॉस्फाइड के बारे में पता है दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो क्या होता है? रेड किलर होता है। और ZnO जो होता है, जिसे हम लोग दोस्तों जिंक ऑक्साइड कहते हैं, इसे फिलोसफर वुल या जस्ते का फूल भी कहा जाता है। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, हर पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब बात करते हैं दोस्तों जो लोहे का जस्तीकरण होता है, गैल्वनाइजेशन जिसे हम लोग या जस्तीकरण बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन में किसका यूज किया जाता है? ZnCl2 या जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ZnCl2 या जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए? तो आयरन को जंग से बचाने के लिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जबकि रबड़ का जो वल्कनाइजेशन होता है, रबड़ के वल्कनाइजेशन में किसका यूज किया जाता है? सल्फर का यूज किया जाता है। और इसी सल्फर के कारण प्याज और लहसुन, इसमें जो स्मेल होता है, इसमें ऑनियन और गार्लिक में जो स्मेल या गंध होता है, वो भी किसके कारण होता है दोस्तों? वो भी सल्फर के कारण होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, कैसेटेराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, SnO2। SnO2 10 का आप लोग बताएंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, याद रखेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 50। जबकि जिंक के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो जिंक का एटॉमिक नंबर याद रखेंगे कितना होता है? दैट इज 30। एटॉमिक नंबर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। जब 10 की बात करते हैं तो इसे डिनोट किया जाता है Sn से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 50। और इसका जो अयस्क है वो क्या है? कैसेटेराइट। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों जब याद रखेंगे कॉपर और Sn यानी कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है हमारा ब्रॉन्ज, या जिसे हम लोग बोलते हैं कांसा। कॉपर और टिन को मिलाने से क्या मिलता है? ब्रॉन्ज बनता है, जिसे हम लोग कांसा बोलते हैं। जबकि याद रखेंगे पीबी और एसएन को, पीबी और यानी कि लेड और टिन को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे शोल्डर मेटल बनता है, यानी कि इससे शोल्डर धातु बनता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, जिससे कि जो आपके फ्यूज वायर होता है ना दोस्तों, फ्यूज वायर भी किसका बना होता है? इसे पीबी और एसएन का बना होता है। फ्यूज वायर यानी घरों में जो फ्यूज देखते हैं और उसमें जो वायर लगा होता है, जो फ्यूज वायर, वो भी किससे? इसी पीबी और एसएन यानी कि लेड, सीसा और टिन से मिलकर बना होता है, आप इसे याद रखेंगे। तो टिन का एटॉमिक नंबर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ये भी पूछा जाता है कि टिन को कैसे डिनोट किया जाता है, तो याद रखेंगे एसएन से। और ये जो इमेज देख रहा है ये क्या है? ये कैसेटेराइट है, इसी से हम लोग टिन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, अगला पॉइंट याद रखेंगे गैलेना। गैलेना जो किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। हम लोगों ने अभी लेड की बात करी, तो लेड का जो सबसे कई बार पूछा गया है लेड के बारे में, कि लेड का अयस्क क्या होता है,
है तो लेड का अयस्क गैलेना होता है। इसका फॉर्मूला भी दोस्तों याद रखेंगे, PbS कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गैलेना उसका सूत्र क्या होता है, तो गैलेना का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दैट इज PbS, है ना, PbS यही बोलते हैं, लेड सल्फाइड भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। और यहां पर लेड के एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर याद रखेंगे Ag2 होता है, जबकि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 207, ये आप याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। मजा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि बच्चे जुड़ पाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूं जो कि सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है ना। और मेटल की दोस्तों जो प्रॉपर्टीज होती है ना मेटल के अंदर याद रखेंगे, मेटल जो होता है वो सोनरस होता है, यानी कि पीटने पर आवाज होती है। मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, यानी कि उन्हें जो मतलब डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो तन्य होते हैं, मैलिएबल होते हैं, कि यानी कि पीट कर हम उसे चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ये सारी मेटल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है ना। हम लोग अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले फैक्ट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। याद रखेंगे हेमेटाइट Fe2O3 बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं, फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। मैग्नेटाइट Fe3O4 और सीडेराइट यानी FeCO3, ये जो फॉर्मूला बेटा फॉर्मूले को भी याद रखना है। ये जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये तीनों किसके अयस्क हैं, तो याद रखेंगे ये तीनों किसके, आयरन के अयस्क, यानी कि ये तीनों किसका अयस्क है दोस्तों, लोहा का अयस्क है। और लोहे की बात करें तो लोहा का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 26, और इसका जो एटॉमिक वेट कितना है ये है 56, ठीक है ना। और लोहे में याद रखेंगे जब आयरन के अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं, आयरन के अंदर हम लोग जब क्रोमियम, जब हम लोग कार्बन और जब निकल मिलाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, तो ये बनाता है स्टील। क्या बनाता है ये बनाता है स्टील, ये भी आपको याद रखनी है, क्लियर है पॉइंट। तो आयरन के बारे में याद रखेंगे, आयरन का जो सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क है ना, सबसे जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो है हेमेटाइट, जो बेस्ट अयस्क कई बार पूछा जाता है, लोहे का सबसे बेस्ट अयस्क कौन सा है, याद रखेंगे दैट इज हेमेटाइट, ये सबसे बेस्ट अयस्क होता है किसका, आयरन का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ, अगला फैक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर, डोलोमाइट यानी कि MgCO3 into CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है ये, एंड लाइम स्टोन यानी कि CaCO3 जिसे हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। ये जो CaCO3 है और डोलोमाइट यानी MgCO3 है into CaCO3, ये दोनों ही किसके अयस्क हैं, तो याद रखेंगे बोथ आर ओर ऑफ कैल्शियम, दोनों ही किसके अयस्क हैं, कैल्शियम के अयस्क हैं। और आपको पता होगा कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों ये कितना होता है 20, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है दैट इज 40, ये इसका काफी डोलोमाइट और लाइमस्टोन ये दोनों ही कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। और जो घड़ों में जो खड़िया बोला जाता है ना दोस्तों, जो चूना होता है खड़िया, वो किसे, इसी CaCO3 को खाने वाला चूना, या जो घड़ों में जो पुताई करते हैं वो भी क्या होता है, यही लाइमस्टोन होता है, ये भी आपने याद रखना, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ, अगला और देखते हैं। याद रखेंगे कैलोमेल यानी Hg2Cl2 कैलोमेल और सिनेबार, इसके बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये कैलोमेल और सिनेबार ये दोनों ही किसके अयस्क हैं दोस्तों, ये दोनों मरकरी के अयस्क हैं। मरकरी की बात करें तो याद रखेंगे मरकरी को ही क्या कहा जाता है, इसे ही क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी की बात करें तो दोस्तों इसे ही लिक्विड मेटल कहते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में मिलता है हमें, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो मरकरी है दोस्तों, इसका यूज़ कहाँ पर होता है देख रहे हैं, ये थर्मामीटर है, थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में, हर जगह किसका होता है यूज़, ये मरकरी का यूज़ होता है। मरकरी का अयस्क क्या है दोस्तों, सिनेबार। इसके बाद याद रखेंगे जो मरकरी है, मरकरी का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 80, कितना होता है दोस्तों 80 होता है, और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है 200 होता है, ये भी याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर याद रखेंगे, मरकरी को लिक्विड मेटल भी किसे कहते हैं, मरकरी को। और इसके बाद की अगर बात करें तो याद रखेंगे जो मरकरी है ये दोस्तों धातुओं के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ क्या बनाती है, ये मरकरी मेटल के साथ यानी धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। क्या बनाती है, अमलगम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखेंगे इसे जो मरकरी है ना, इसे रखा किसके साथ जाता है, इसे आयरन के कंटेनर में रखा जाता है। किसके कंटेनर में रखा जाता है, लोहे के कंटेनर में रखते हैं मरकरी को, क्यों, क्योंकि ये मरकरी जो है आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाती, इसके साथ अमलगम नहीं बनाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे,
क्लियर पॉइंट यहाँ तक। तो ये HZ का याद रखेंगे, सीनेबार और कैलोमेल ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ। याद रखेंगे बॉक्साइट, कोरंडम या इसी कोरंडम को दोस्तों नीलम भी कहा जाता है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला यहाँ पर Na3AlF6, सारा फॉर्मूला भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी किसके अयस्क हैं? ये सभी किसके अयस्क हैं दोस्तों? एल्यूमिनियम के। और एल्यूमिनियम के बारे में याद रखेंगे जो हमारे अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट यानी हमारी जो भूपरपट्टी है ना, हमारी जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा जो धातु पाया जाता है वो कौन सा धातु पाया जाता है? एल्यूमिनियम। जब हम लोग दोस्तों अपने अर्थक्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद की अगर बात करें तो दोस्तों ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा तत्व होता है वो सिलिकन होता है, और सिलिकन के बाद क्या होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम। जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा धात्विक तत्व कौन सा होता है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम होता है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है ना हमारे अर्थक्रस्ट में, दैट इज 49%। सिलिकन जो होता है याद रखेंगे दैट इज 27%, और एल्यूमिनियम जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? दैट इज 8%। ये इसका परसेंटेज होता है, आप ये भी याद रखेंगे। कई बार जब ज़्यादा सवाल मुश्किल करने होते हैं तो वो परसेंटेज भी पूछते हैं। इसके बाद की अगर बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो आपका जवाब होगा नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछते हैं कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है दोस्तों, तो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा तत्व होता है कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है हमारे यूनिवर्स में, क्योंकि सन और स्टार्स, जो सूर्य और तारा है, इन सभी के एनर्जी का सोर्स ही क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलता है तभी बनता है हीलियम, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से हीलियम बनता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। तो जब भी आपसे यह पूछा जाए सूर्य और तारों की एनर्जी का स्रोत क्या है, सन और स्टार की एनर्जी का सोर्स क्या है, तो याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये 13 है, और इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो दोस्तों क्या होता है? दैट इज 26, आपको याद रखनी है। क्लियर है यहां तक? तो चलते हैं अब हम लोग इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है दोस्तों बॉक्साइट से, आपको यह याद रखना है। क्लियर है यहां तक? तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ। अगला मुद्दा हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्यूप्राइट एंड एजुराइट, ठीक है ना, क्यूप्राइट एंड एजुराइट आर ओर ऑफ कॉपर। जो क्यूप्राइट है Cu2O और एजुराइट, ये दोनों किसके अयस्क हैं दोस्तों? ये दोनों कॉपर के अयस्क, और कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है दोस्तों? दैट इज 29। कॉपर की अगर बात करें तो याद रखेंगे सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है, जबकि सबसे पहला अच्छा सुचालक कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो है, आप लोगों को पता है कौन है? सिल्वर यानी अर्जेंटाइट। सिल्वर ये बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और सेकेंड बेस्ट कंडक्टर कौन होता है दोस्तों? ये होता है कॉपर, ठीक है ना। और जब हम लोग बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर के बारे में याद रखेंगे, जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। और कॉपर जो मनुष्य के द्वारा यूज की जाने वाली, यानी मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी? कॉपर थी। और कॉपर के साथ जब हम लोग दोस्तों जिंक मिलाते हैं और निकल मिलाते हैं, कॉपर, जिंक और निकल मिलकर ये क्या बनाता है? जर्मन सिल्वर बनाता है, जिसमें कि सिल्वर नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोल्यूसाइट एंड मैंगेनाइट। पायरोल्यूसाइट और मैंगेनाइट इज ओर ऑफ मैग्नीज। ये मैग्नीज जो है, ये वाला जो है पायरोल्यूसाइट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके एग्जाम में कई बार कि पायरोल्यूसाइट का पायरोल्यूसाइट किसका ओर है या मैग्नीज का ओर क्या है। तो याद रखेंगे मैग्नीज का ओर क्या है? पायरोल्यूसाइट। और इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे MnO2, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंगेनाइट भी किसका अयस्क है दोस्तों? मैग्नीज का। लेकिन ये ज्यादा बार एग्जाम में नहीं पूछा, सबसे ज्यादा बार पायरोल्यूसाइट पूछा। और इसका एटॉमिक नंबर 20, और इसे डिनोट करते हैं Mn से। ये डिनोट कैसे किया जाता है दोस्तों, इसे भी आपने याद रखना, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए छात्र देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर
लीजिए और अपना सजेशन जरूर देना है कि अगला टॉपिक किस पर लाना है टू द पॉइंट का, किस अगला जो एपिसोड है टू द पॉइंट का वो किस टॉपिक पर लाना है, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे, पिच ब्लेंड इज ओर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो है, यूरेनियम का अयस्क क्या है दोस्तों, पिच ब्लेंड कई बार एग्जाम में पूछा गया, और इसका एटॉमिक नंबर 92 और इसका जो वेट होता है वो क्या होता है 238 एटॉमिक वेट होता है। यूरेनियम याद रखेंगे, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है वो कहां पर, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा ये झारखंड में है, झारखंड के जादूगोड़ा में सबसे ज्यादा यूरेनियम का क्या होता है, खनन होता है। और यूरेनियम एक कैसा एलिमेंट है दोस्तों, यूरेनियम एक याद रखेंगे कैसा अयस्क है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे प्रकृति में, हमारे मतलब नेचर में सबसे भारी नेचुरल एलिमेंट कौन सा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो भी याद रखना है दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम, जिसका यूज कहां पर किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या नाभिकीय संयंत्रों में, किसके रूप में करते हैं दोस्तों, नाभिकीय संयंत्रों में एनर्जी निकालने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। और यहीं से याद रखेंगे, एक होता है थोरियम, जिसका दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 90। इस थोरियम का जो ओर है दोस्तों, याद रखेंगे ये है मोनाजाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम का जो ओर है दोस्तों मोनाजाइट है, और ये मोनाजाइट जो है याद रखेंगे ये कहां पर मिलता है मोनाजाइट, तो ये केरला में, केरला के अंदर ये सबसे ज्यादा मोनाजाइट मिलता है। और मोनाजाइट क्या है दोस्तों, एक प्रकार का सैंड है, एक प्रकार का रेत है, एक प्रकार का बालू है, इसी बालू से ये थोरियम नामक जो तत्व है, थोरियम नामक जो धातु है वो प्राप्त की जाती है। और थोरियम का अयस्क क्या है, मोनाजाइट, जो कहां पर, केरला के मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, आपको याद रखनी है। क्लियर है यहां तक, तो हम लोग इसके बाद की अगर बात करें दोस्तों, यहां पर इस चीज को आप याद रखेंगे, और केरला में ही याद रखेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, अगला याद रखेंगे क्रोमियम, जो क्रोमियम है, क्रोमियम का अयस्क क्या है, क्रोमाइट। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 24, और इसका एटॉमिक वेट कितना है, दैट इज 51। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे यहां पर क्रोमियम के साथ जब निकल और क्रोमियम को जब मिलाते हैं ना दोस्तों, तो उससे क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। निकेल और क्रोमियम को मिलाने से क्या बनता है, नाइक्रोम। और इसी से जो इलेक्ट्रिक हीटर है या इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका जो क्वाइल होता है, उसकी जो क्वाइल, ये जो देख रहे हैं क्वाइल, या जिसे हम लोग बोलते हैं कुंडली, ये कुंडली किससे बनी होती है, ये नाइक्रोम से, ये नाइक्रोम से बनी होती है। और नाइक्रोम किससे बना होता है दोस्तों, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ये भी याद रखेंगे। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, याद रखेंगे इल्मेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्मेनाइट इज ओर ऑफ टाइटेनियम। ये टाइटेनियम जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 22 और जिसका एटॉमिक वेट 47 है, इस टाइटेनियम का जो अयस्क है दोस्तों इल्मेनाइट। जब मुश्किल प्रश्न बनते हैं तो पूछा जाता है इल्मेनाइट इज ओर ऑफ विच एलिमेंट, तो इल्मेनाइट इज ओर ऑफ टाइटेनियम, और इसको डिनोट करते हैं TI से, और इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 22। इसे भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं हम लोग, स्टिबनाइट। कई बार पूछा जाता है स्टिबनाइट इज एन ओर ऑफ स्टिबनाइट, किसका अयस्क है, तो दोस्तों याद रखेंगे स्टिबनाइट इज ओर ऑफ एंटीमनी। यहां से इसको डिनोट करने का, इसका जो नोटेशन है ना, ये किससे डिनोट करते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एंटीमनी को किससे डिनोट किया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे एंटीमनी को SB से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर है 51, और एटॉमिक वेट कितना है दोस्तों, 121.76। तो स्टिबनाइट इज ओर ऑफ एंटीमनी। ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट या Ag2S, ये किसका और है दोस्तों, ये सिल्वर का, और सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड है, उसका यूज कहां पर करते हैं हम लोग, फोटोग्राफी में। सिल्वर क्लोराइड का फोटोक्रोमेटिक ग्लास में, AgCl फोटोक्रोमेटिक ग्लास में, जबकि हम लोग दोस्तों बात करते हैं AgBr की, तो इसका कहां पर यूज होता है, फोटोग्राफी में। AgI का दोस्तों कहां पर यूज होता है, कृत्रिम वर्षा में, जबकि हम लोग बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका यूज कहां पर होता है दोस्तों, वोट की इंक में यूज होता है, ये भी याद रखेंगे। और AgCl को ही दोस्तों क्या कहते हैं, इसे ही हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग
लोग चलते हैं अब दोस्तों यहां पर अर्जेंटाइट के बारे या सिल्वर के बारे में। एटॉमिक नंबर याद रखेंगे इसका 47 होता है और इसका एटॉमिक वेट 107.86 होता है, ये भी आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सभी चीजों को आपको याद रखना। और ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, निकल के अयस्क की जब बात करते हैं दोस्तों तो निकल का अयस्क है निकल ग्लांस, बस इतना याद रखेंगे निकल कोर का नाम निकल ग्लांस और इसका एटॉमिक नंबर 28 और इसका एटॉमिक वेट है 58.693। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर, डोलोमाइट एंड कार्नेलाइट। डोलोमाइट एंड कार्नेलाइट इज ओर ऑफ मैग्नीशियम। देखिए ये जो डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट ये किसका अयस्क है, ये डोलोमाइट हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। और कार्नेलाइट जो है दोस्तों, कार्नेलाइट भी किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है, आपको याद रखना है। इसके बाद मैग्नीशियम के बारे में याद रखेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 24। मैग्नीशियम की जब बात करते हैं तो याद रखेंगे ये मैग्नीशियम नामक धातु ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मिलती है, जो हमारा क्लोरोफिल होता है पर्णहरित, पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। और याद रखेंगे यही मैग्नीशियम हमारे बॉडी से क्या दूर करने में, स्टोन दूर करने में हेल्प करता है। और स्टोन बेटा किसका बना होता है, हमारे शरीर का स्टोन जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, जो हमारे किडनी या हमारे गॉल ब्लेडर में यानी कि हमारा जो गुर्दा है या हमारा पित्ताशय में जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनता है। और इस स्टोन को दूर करने में कौन मदद करता है, मैग्नीशियम मदद करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बोरेक्स चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का बेटा फॉर्मूला होता है NaNO3, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिली सॉल्ट पीटर बोरेक्स Na2B4O7, ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए। और कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं, ये तीनों ही किसके अयस्क हैं, ये तीनों ही सोडियम के अयस्क हैं, यानी जो सोडियम है सोडियम का अयस्क क्या है, NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर, बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, ये तीनों किसके ओर हैं, ये तीनों ही अयस्क हैं सोडियम के। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, दैट इज 11 और एटॉमिक वेट कितना है, दैट इज 23। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ, अगला फैक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो याद रखेंगे दोस्तों इतना ही हमारे आज के एपिसोड के अंदर जो जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल और उनके ओर थे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इतने वो सारे फैक्ट जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मेटल एंड ओर से, उस सभी चीजों को मैंने कवर करने का कोशिश किया है आज के एपिसोड में। दोस्तों अगर आपको ये टू द पॉइंट का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी नए छात्र देख रहे हैं वो SSC अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मेरी हमेशा आप लोगों से उम्मीद रहती है, आप अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर दें कि टू द पॉइंट का अगला एपिसोड किस टॉपिक पर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग टू द पॉइंट के अगले एपिसोड के अंदर एक नए और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए एंड हैव ए गुड डे।